नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को दो कलर का स्वेटर का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने पहले से ही यह थोड़ा सा डिज़ाइन बना के रख लिया है। आगे का डिज़ाइन मैं इसी में बनाने सिखाऊंगी। सबसे पहले है अब ये दूसरा कलर लगाएंगे। ये दो फंदा जो है इसके नीचे जो है इसी में हम एक फंदा बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम बड़ा सा फंदा खींचेंगे, इसके बाद ये दो फंदा हम बुनेंगे। दो फंदा बनाने के बाद ये जो बड़ा सा फंदा है इसको इस तरह से लेके हम नीचे गिरा देंगे और ये दो फंदा बीच में आ जाएगा। अब आगे हम फिर उसी तरह से ये नीचे से एक फंदा हम और दो फंदा हम सीधा बुनेंगे और ये बीच वाला जो हम फंदा बनाए हैं इसमें दोनों फंदा को हम इस तरह से निकाल के ये फंदा हम गिरा लेंगे। फिर हम इसी तरह से ये फंदा हम बनाएंगे और दो फंदा हम बना के और ये बीच वाला फंदा से इस तरह से हम निकालेंगे। देखिए इसी तरह से ये डिज़ाइन बनेगा, इसी तरह से हम सीधी सिलाई को पूरी कर लेंगे। सीधी सिलाई पूरी हो चुकी है, अब हम उल्टी सिलाई बुनेंगे। उल्टी सिलाई हम पूरी सिलाई उल्टी ही बुनेंगे। उल्टी सिलाई पूरी हो चुकी है, अब हम सीधी सिलाई बनाएंगे। सीधी सिलाई हम पूरी सिलाई सीधी ही बुनेंगे। सीधी सिलाई पूरी हो चुकी है, उल्टी सिलाई हम फिर से उल्टी ही बुनेंगे। उल्टी सिलाई पूरी हो चुकी है, सीधी सिलाई में हम फिर दूसरे कलर से डिजाइन डालेंगे। तो ये काला कलर अब हम छोड़ देंगे और गुलाबी कलर से हम डिज़ाइन बनाएंगे। एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे और फिर ये दो फंदा के बीच में जो ये है इसी से हम एक फंदा सीधा उठा लेंगे और दो फंदा हम सीधा बुनेंगे और ये बीच वाला फंदा हम इस तरह से ये दो अंदर से निकालते हुए ये फंदा को हम गिरा लेंगे। फिर बीच में हम एक फंदा
बुनेंगे और दो फंदा को हम सीधा बुनेंगे और ये बीच वाला फंदा से हम निकाल के ये फंदा हम गिरा लेंगे। इसी तरह से हम फिर सीधी सिलाई पूरी कर लेंगे। सीधी सिलाई पूरी हो चुकी है, उल्टी सिलाई हम फिर पूरी सिलाई उल्टी ही बुनेंगे। उल्टी सिलाई पूरी हो चुकी है, सीधी सिलाई में हम फिर से सीधी ही बुनेंगे और ये डिजाइन जो है इसी तरह से हम बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन बनकर तैयार हो चुका है। ये चार सिलाई का डिजाइन है और ये बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में ये बहुत ही सुंदर है। इसे आप कार्डिगन में भी डाल सकते हैं, ब्लाउज में भी डाल सकते हैं और बच्चे के स्वेटर में भी डाल सकते हैं। अगर आपको ये डिजाइन अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।